नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे फास्ट हिंदी न्यूज चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी न्यूज। भाभी जी घर पर हैं, एक एपिसोड की इतनी फीस लेते हैं पेलू रिक्शा वाले, बिना डायलॉग बोले ही किए हैं कमाल। जी हाँ दोस्तों, टीवी का फेमस कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की तरह ही दर्शक भाभी जी घर पर है के भी काफी दीवाने हैं। इस शो में काम करने वाले हर करेक्टर अपने आप में बेमिसाल है। हर कोई अपने रोल को निभाने के लिए पूरी मेहनत करता है, जो स्क्रीन पर साफ नजर भी आती है। वहीं भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी की बात करें या फिर शो में आई लाइक इट कहने वाले सक्सेना जी की, हर कोई अपनी अलग स्टाइल के लिए लोकप्रिय है। वहीं इस शो में एक ऐसा किरदार भी है जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाता है और दर्शकों को हंसाकर लोटपोट कर देता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम मॉडर्न कॉलोनी के पेलू रिक्शा वाले की ही बात कर रहे हैं। पेलू रिक्शा वाला का असली नाम अक्षय पाटिल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेलू रिक्शा वाला उर्फ अक्षय पाटिल को एक एपिसोड के लिए कितनी फीस मिलती है। पेलू रिक्शा वाले को शो में अपनी पर्ची निकालकर बात करते देखा है। वहीं उनका लुक भी काफी दिलचस्प है। हमेशा मफलर बांधे पेलू का दांत दिखाकर हंसने का अंदाज सबको हंसाने पर मजबूर कर देता है। कोई मोई डॉट कॉम में छपी खबर के अनुसार पेलू उर्फ अक्षय पाटिल को एक एपिसोड के 15,000 रुपए के करीब मिलता है। हालांकि उनकी फीस को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी मौजूदा नहीं है, यानी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि अक्षय पाटिल लंबे समय से इंडस्ट्री से जुड़े हैं। वह भाभी जी घर पर हैं के अलावा कई और टीवी शो में काम कर चुके हैं। अक्षय सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। वह अपने ट्विटर अकाउंट पर आए दिन अपनी तस्वीर शेयर करते हैं। एक्टर अरविंद सिंह के साथ उनके अक्षय की तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। इस तस्वीर को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। इस तस्वीर को फैंस ने काफी पसंद किया था। तो दोस्तों, ऐसी ही फास्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।